विधानसभा चुनाव के तहत विभिन्न दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान जारी है। प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं तो कई स्थानों पर सभाएं कर रहे हैं। सिवाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा व कांग्रेस के बागी दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव का यूं तो मतदाताओं के लिए रोचक अनुभव है, लेकिन प्रत्याशियों के जोश और खुशी पर इस बार बागियों ने पानी फेर दिया है। बाड़मेर जिले की करीब करीब सभी सीटों पर इस बार बागियों ने भाजपा और कांग्रेस के गणित को इस कदर बिगाड़ दिया है कि कौन आगे और कौन पीछे कुछ कह नहीं सकते। इस बार के विधानसभा चुनावों में सिवाना सीट सर्वाधिक उलझी हुई नजर आ रही है। सिवाना से ही इस बार सर्वाधिक 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा प्रत्याशी हमीर सिंह भायर और कांग्रेस प्रत्याशी पंकज प्रताप की मुसीबत कम नहीं हो रही। टिकट वितरण के साथ ही सिवाना में बगावत के सुर बुलंद हो गए और दोनों ही पार्टियों से बागी उम्मीदवार मैदान में उतर आए। पहले बात करें कांग्रेस की तो बागी खेमे में पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल, पूर्व जिला मुख्यालय बालाराम चौधरी और पूर्व प्रधान गरिमा राजपुरोहित का नाम शुमार रहा। बागी जुट से बालाराम चौधरी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। हालांकि पूर्व मंत्री मेघवाल और पूर्व प्रधान राजपुरोहित ने वापस कांग्रेस का दामन थाम दिया है। ऐसे में प्रत्याशी पंकज प्रताप की मुसीबत कम हुई तो जिनके भरोसे बालाराम चुनावी मैदान में कूदे, उन नेताओं के छिटक जाने से अब उनका गणित गड़बड़ा गया है। कांग्रेस के जैसा ही हाल भाजपा का भी है। हमीर सिंह भायल को टिकट मिलने के बाद भाजपा नेता रहे कांतिलाल ने चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक दी है। और तो और भारी भरकम लाव लश्कर के साथ बुधवार को कांतिलाल ने समदड़ी में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन में कार्यालय में सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। बहरहाल इस बार सिवाना बाड़मेर जिसे में हॉट सीट बनी हुई है।